दो चार दिन से यहाँ पे जो भारी बर्फ़ यहाँ पे वादी कश्मीर में गिरी, इसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा लोगों को। खुसूसन म्यूनिसिपलिटी की जानिब से जो इस साल हमें देखने को मिला वो आज तक हमें देखा नहीं और न सुना। आज तक बर्फ़ वादी कश्मीर में पड़ती रही लेकिन ऐसे हालात कभी नहीं हुए जो इस साल हुए। यहाँ के मेयर साहब ने यह बयान दिया कि मेरे पास सफिशेंट मशीनरी नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ से बर्फ़ हटा सकूं। तो एक तो उन्होंने अपनी नाकामी का एतराफ़ खुद कर दिया, दूसरी जानिब से अगर हम देखें कि दो दिनों से वादी कश्मीर में ट्रैफिक जाम की बहुत प्रॉब्लम है, इसका ज़िम्मेवार भी मैं म्यूनिसिपलिटी को ठहराऊंगा, क्योंकि वजूहत ये है कि आप देख सकते हैं जो ही यहाँ पे बर्फ़ गिरती थी मशीनरी आती थी वो ले जाती थी बर्फ़ को उठाती थी, लेकिन दो साइड्स में जो बर्फ़ फिर रहती थी उस पर मज़दूर लगाए जाते थे और मज़दूरों के ज़रिए से वो बर्फ़ उठाई जाती थी। अफसोस की बात यह है कि आज पैदल चलने वाले को भी रास्ता नहीं है, जो गाड़ियाँ टू साइडेड चलती थी वो एक ही लाइन में चल पाती है। यही वजूहत है कि ट्रैफिक जाम कल से देखने को मिला, और इसका मैंने पहले ही कहा इसका ज़िम्मेवार यहाँ की ट्रैफिक पुलिस नहीं समझता हूँ मैं, यहाँ म्यूनिसिपलिटी है, क्योंकि इस वक्त भी इनको मौका था, ये आराम से ये बर्फ़ यहाँ सड़कों से हटा सकते थे ताकि लोगों को आसाइश हो जाती। अंदरूनी इलाकों से अभी भी हम ये इतलात है कि वहाँ से बर्फ़ हटाई नहीं गई, लोग खुद निकल रहे हैं और खुद ही बर्फ़ उठा रहे हैं। देखिए, बर्फ़ की बात करेंगे तो ये पहला सीज़न नहीं है जब हमारे कश्मीर में इस तरह की बर्फ़बारी हुई, इससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अभी तक बर्फ़बारी हुई है, लेकिन इस वजह ट्रैफिक जैम की रीज़न्स ये भी है। आप देखिए, पहले तो स्नो क्लियरेंस टाइम पे नहीं हुई, स्नो क्लियरेंस करने के बजाय आपके मेयर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताते हैं कि हम तैयार नहीं, हमारे पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास स्नो क्लियरेंस मशीन्स नहीं है, तो हम स्नो को क्लियर नहीं कर सकते। उसके अगले दिन डिप्टी मेयर साहब यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं कि हम फुली तैयार हैं, यानी इनकी इंटरनल आपसी रसाकशी में आम लोग पे से जा रहे हैं। तो यहाँ एक अरसा हुआ काम करते हुए, मेयर साहब जो आज कह रहे हैं हम उस पर क्या कहना चाहेंगे, हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये मुझे लगता है इग्नोर की गई है, इस बार सिटी को तो फुल फ्लेज्ड इग्नोर किया गया। यहाँ तो न्यू एयरपोर्ट रोड भी बंद था, मैंने जिंदगी में पहली बार दिया कि जो सुबरा हॉस्पिटल का रोड था वो भी बंद था। नॉट कमिंग विद द प्रॉपर प्लान, इन्होंने बर्फ़ हटा के साइड में रख दिया। ओबियसली तो सड़क तो पहले से ही कम थी, ट्रैफिक जाम तो होना, पार्किंग स्पेस तो इन्होंने दी नहीं कहीं कि जहाँ पे गाड़ियों को खड़ा किया जाए। तो इनको तो पूरा प्लान लेके आना चाहिए कि गाड़ियाँ कहाँ पे पार्क, अगर तो सिटी में कोई बंदा गाड़ी लेके आता तो रखेगा कहाँ। दे आर नॉट एनफ पार्किंग स्पेसेस हियर।